हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम गीता जयंती के बारे में बात करेंगे। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी एकादशी के दिन से ठीक 5000 साल पहले द्वापर युग के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है और इस बार ये एकादशी 25 दिसंबर को है। आज हम जानेंगे कि गीता जयंती क्या है और गीता जयंती का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप भी जानते होंगे कि गीता जयंती क्या है, और नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि गीता जयंती क्या है और क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से प्रेम का पाठ पढ़ाया था, ठीक उसी तरह उन्होंने अर्जुन को भी पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपने ठीक उसी तरह से अर्जुन को भी ज्ञान की प्राप्ति कराई थी, साथ ही जीवन को जीने का तरीका भी बताया था। ऐसा माना जाता है कि जब अर्जुन ने अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान दिया था। उन्होंने अर्जुन को बताया था कि भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जो घट रहा है वो नियता के द्वारा ही घट रहा है। ऐसे में नियता को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का पाठ पढ़ाया था और गलत और सही का अंतर भी बताया था, जिससे वो सही फैसला ले पाए थे और जीवन का सदुपयोग कर पाए। गीता में जितने भी श्लोक वर्णित हैं उनमें जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाई गई है कि किस तरह से हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए, ये सिखाया गया है। इसी के चलते आज भी हजारों वर्षों से गीता जयंती प्रासंगिक है और इसके जरिए ही श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता लोगों को अच्छे बुरे कर्मों का कर्म अच्छे बुरे जो कर्म हैं उनमें फ़र्क समझाती है। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गीता जैसे महान ग्रंथ का जन्म हुआ था। गीता जयंती के दिन आपको ये अवश्य जानना चाहिए कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि गीता जयंती पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि गीता जयंती पर क्या करना चाहिए। गीता जयंती के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। वैसे तो आप एकादशी पर करते ही होंगे गीता पाठ, यानी कि हर एकादशी के दिन आपको गीता का पाठ करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो व्रत के साथ साथ एकादशी के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। और ये जो मोक्षदा एकादशी है, इस दिन गीता जयंती होती है, तो इस दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन गीता को सुन सकते हैं। इसके अलावा गीता में दिए गए उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारें। गीता जयंती के दिन घर में
गीता का पाठ अवश्य कराएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करें। इसके अलावा गीता जयंती के दिन किसी ब्राह्मण को गीता का दान अवश्य करें। इसके अलावा गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते समय शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करके गीता का पाठ शुरू करना चाहिए। इसके अलावा गीता जयंती के दिन तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और रात में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु मंदिर में जाकर भी दीपदान अवश्य कीजिए, यानी कि दीपक अवश्य जलाएं। इसके अलावा गीता का पाठ करने से पहले उस पर गंगा जल अवश्य छिड़कें और गीता की पूजा करने के बाद ही उसका पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गीता का पाठ करके उसे उसके स्थान पर ही वापस रख दें और गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को सिर्फ फलाहार का ही सेवन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए और किसी को कटु वचन ना कहें, किसी की निंदा ना करें, किसी का भी मतलब दिल ना दुखाएं। इस तरह से गीता जयंती पर आपको ये काम करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। गीता जयंती के दिन न केवल गीता का बल्कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं करना चाहिए। गीता जयंती के दिन किसी पर क्रोध बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। गीता जयंती के दिन किसी भी रूप में किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इसके अलावा गीता जयंती के दिन किसी भी साधु संत, ब्राह्मण या किसी निर्धन व्यक्ति का भूल कर भी अपमान ना करें। हो सके तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को उनकी ज़रूरत की चीज़ें देकर दान पुण्य मतलब करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, गीता जयंती के दिन जिस जगह पर गीता का पाठ किया जा रहा हो उस स्थान पर भूल कर भी तामसिक भोजन और शराब पीकर बिल्कुल भी ना जाएं। इसके अलावा गीता का पाठ करने से पहले शुद्ध अवश्य होएं और स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और शुद्ध वस्त्र धारण करे बगैर या स्नान करे बगैर गीता को हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं। इसके अलावा गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को लहसुन और प्याज से बने भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, गीता जयंती के दिन मोक्षदायी एकादशी भी होती है और गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण के दिन यानी कि भूल कर भी आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गीता के उपदेशों को सुनकर उनका मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बल्कि उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।